दोस्तों क्वालिफायर मैच में गुजरात को 173 रन बनाने थे और इसके बाद पलट गया पूरा मैच। आईपीएल का पहला क्वालिफायर मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच चेन्नई के मैदान पर खेला गया, जहां इस बड़े मुकाबले में गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। और जब चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डबल कनवे ओपनिंग करने उतरे थे तो इनको 5 रन के स्कोर पर ही उनको पहला झटका दर्शन नालकंडे ने देकर ऋतुराज को आउट कर दिया था, लेकिन वो गेंद नो गेंद निकल गई। और इसके बाद ऋतुराज ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए अगली 36 गेंदों में अपना 50 रन पूरे कर लिए थे और ड्वेन कनवे के साथ पहले विकेट के लिए 87 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन दोस्तों 87 रन के स्कोर पर मोहित शर्मा ऋतुराज को आउट कर दिया था और वो 60 रनों की शानदार पारी खेल के आउट हुए थे। इसके बाद अगले ही ओवर में नूर अहमद ने शिवम दुबे को क्लीन बोल्ड मार दिया था, वो केवल 1 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ इस मैच में कनवे काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनका साथ देने रहाणे उतरे थे, लेकिन इसके बाद रहाणे को भी 121 रन की स्कोर पर दर्शन नालकंडे ने आउट कर दिया था और रहाणे 17 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद डबल कनवे भी अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी का शिकार बने और वो 40 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ इस मैच में रायडू आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको भी रशीद खान ने आउट कर दिया था। रायडू भी 17 रन बनाकर आउट हुए थे। रायडू के आउट होने के बाद कप्तान धोनी बल्लेबाजी करने आए थे। दोस्तों धोनी इस मुकाबले में केवल 1 रन बनाकर मोहित शर्मा की गेंद पर कैच थमा बैठे हार्दिक पांड्या के हाथ। इसके बाद आखिरी में आकर मोइन अली ने छक्का जड़ा और जडेजा ने 2 चौके जोड़कर चेन्नई का स्कोर 172 ले गई। लेकिन आखिरी गेंद पर शमी ने जडेजा को क्लीन बोल्ड मार दिया था और जडेजा 22 रन बनाकर आउट हो गए थे। मोइन अली ने 9 रन बनाए थे। तो गुजरात की तरफ से शमी और मोहित शर्मा को 2-2 विकेट हाथ लगी थी, बाकी सभी गेंदबाजों ने 1-1 विकेट चटकाया था। और दोस्तों आप गुजरात को फाइनल में जाने के लिए 173 रन बनाने थे और जब गुजरात की टीम टारगेट का पीछा करने उतरे उनको पहला झटका ही 22 रन के स्कोर पर दीपक चहर रिद्धिमान शाह को आउट कर दिया था, तो वो 12 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ इस मैच में सुमन गिल काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे, तभी कप्तान हार्दिक पांड्या को महेश टिकसाना आउट कर दिए थे और हार्दिक पांड्या केवल 8 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने हसु सनेका उतरे थे और उन्होंने इस मैच में 1 छक्का और 1 चौका भी जोड़ दिए थे, लेकिन 72 रन के स्कोर पर जडेजा ने उन्हें आउट कर दिया। लेकिन एक तरफ इस मैच में सुमन गिल काफी बेहतरीन लय में दिख रहे थे, लेकिन तभी डेविड मिलर को जडेजा ने क्लीन बोल मार दिया था और मिलर केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो दोस्तों इसके बाद दीपक चहर ने 88 रन के स्कोर पर विराट को सबसे बड़ा झटका देकर सुमन गिल को आउट कर दिया और दोस्तों गिल 42 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद राहुल तेवटिया को भी महेश टिकसाना ने क्लीन बोल्ड मार दिया था, लेकिन दोस्तों इसके बाद रशीद खान और विजय शंकर कमल की बल्लेबाजी करी और इस मैच में गुजरात की वापसी करवा दी। दोस्तों 136 रन के स्कोर पर मतिसा पथिराना ने विजय शंकर को आउट कर दिया था और वो 14 रन बनाकर आउट हुए थे। तो अगली गेंद पर ही दर्शन नालकंडे रन आउट हो बैठे और इसके बाद सारी उम्मीदें रशीद खान पर टिकी थी, क्योंकि उन्होंने 15 गेंदों में 30 रन बना दिए थे। इसके बाद 142 रन के स्कोर पर उनको तुषार देशपांडे ने आउट कर दिया था और रशीद 30 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद आखिरी ओवर में गुजरात को 27 रन बनाने थे, लेकिन आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी को पथिराना ने आउट कर दिया था और गुजरात की टीम 157 रन बनाकर ऑल आउट हो गए थे। इस क्वालिफायर मुकाबले को चेन्नई ने 15 रनों से जीतकर अपना टिकट फाइनल के लिए कटवा लिया है।